हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं बी फार्मा, डी फार्मा या फिर आप कोई सा भी मेडिकल कोर्स कर रहे हैं उसके लिए ये टॉपिक आज आपके लिए हो सकता है, क्योंकि हर मेडिकल फील्ड में इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। और ये टॉपिक इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आप मेडिकल का अगर कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर ब्लड के बारे में नहीं जानते तो मतलब आपका साइंस साइड से मेडिकल फील्ड होने से बर्बाद है सब कुछ। इसलिए हर वीडियो को आप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव तरीके से ले, क्योंकि अभी हम जो रिसेंट में जितने भी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, आपके अभी एग्जाम आने वाले हैं तो उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर करवाया जा रहा है। और प्लस अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं या डी फार्मा कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप इस स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज हम ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड क्या है, क्यों है, कैसे है, सारे जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। स्टार्ट करें जी। तो ब्लड कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड को पढ़ने से पहले हम ब्लड के बारे में जानते हैं कि ब्लड क्या है। ये जो खून है क्या है बेटा, तो सिंपली ब्लड के बारे में समझोगे तो हम यहां एक ब्लड की ड्रॉप बना लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ये हम यहां पर ब्लड की ड्रॉप बना लेते हैं। अब बोलते हैं कि क्या है ये ब्लड, तो सिंपली हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमें खाना पानी मिलने के लिए ब्लड की बहुत जरूरत है। अब मैं यहां एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो ये हम बनाते हैं यहां पर हंसता खेलता हुआ चिंटू। तो पहले बना लेते हैं फिर समझते हैं। तो लीजिए यहां पे हमने बनाया चिंटू। अब क्या हुआ जी, इस चिंटू की बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं। हाँ जी, अगर आपको सेल्स के बारे में भी नहीं मालूम है कि क्या होता है तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, सेल का टॉपिक भी अपलोडेड है, वहां से जाके पढ़िए सेल क्या होता है, आपको मालूम चल जाएगा। अब हमारी बॉडी लाखों करोड़ों सेल से मिलकर के बनती है, ठीक। अब इस सेल्स को काम करने के लिए, अब इस सेल को हम जूम कर लें, ये हमारी सेल है, इस सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, प्लस ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर इन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है सेल को काम करने के लिए। जिस तरीके से हमें काम करने के लिए भाई खाने की जरूरत है, ऐसे ही हमारे शरीर को खाने की जरूरत है। जो हम खा रहे हैं उसी से ही हमें एनर्जी मिलती है। अब ये जो ऑक्सीजन है और ये ग्लूकोज, ये जो एनर्जी है वो इस सेल को मिलेगी कैसे, तो यहां इसके बाजू से ही प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। अब आप बोलोगे ये ब्लड वेसल्स का क्या लफड़ा है भाई, क्या होती है ब्लड वेसल्स। जैसे आपके घरों में पाइपलाइन बिछी होती है और उस पाइपलाइन के थ्रू पानी फ्लो करता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी एक पाइपलाइन लगी हुई है जिसे हम ब्लड वेसल्स का नाम दे देते हैं। तो यहां पर हमारी बॉडी में दो तरीके की पाइपलाइन लगी है, एक ठंडे पानी की एक गर्म पानी की है। जैसे आपके घर में लगी है एक टंकी खोलो गर्म पानी, दूसरी टंकी खोलोगे ठंडा पानी निकलेगा, उसी तरीके से हमारी बॉडी में दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, एक में अशुद्ध ब्लड होता है और एक में शुद्ध ब्लड होता है। तो ये जो ये वाली पाइप है इसको हम नाम देते हैं वेन्स। इसमें डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड पाया जाता है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजिनेटेड का मतलब अशुद्ध ब्लड, और इसमें इसका नाम है आर्टरी। इसमें ऑक्सीजिनेटेड ब्लड पाया जाता है। अब क्या चक्कर है इन दोनों का, ऑक्सीजिनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, तो हम कहें आर्टरी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, CO2 इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होगी। अब जैसे ही
आर्टरी ने ऑक्सीजन दे दिया इसको, हाँ जी दे दिया, प्लस आर्टरी के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, जो भी हम खाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है और उससे जो वेस्ट मटेरियल बाहर कर देता है, जो अच्छा मटेरियल है उसको बॉडी में भेज देता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो सारा न्यूट्रिशन भी हमें कैसे मिलेगा, इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ही न्यूट्रिशन, इस ब्लड वेसल के थ्रू ही हमें ग्लूकोज मिलेगा, तो इसमें ग्लूकोज भी पाया जाता है। तो आर्टरी के थ्रू हमें दोनों चीज मिल गई। तो अब हमारी बेचारी यहां पर सेल काम करना चालू कर देगी, जो जो इसका काम है सब काम करेगी। तो इस जैसे ही काम करा तो ये बेचारी थकी, तो जब यहां पर ऑक्सीजन का और इसका बेचारी थक जाएंगी तो ये CO2 रिलीज करेंगी, ये अपना वेस्ट रिलीज करेगी, ठीक है। तो वेस्ट को CO2 को ले जाने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए तो भैया CO2 बहुत खराब है, तो इसको बॉडी से बाहर करना होगा, उसके लिए एक और यहां पर सिस्टम है। तो यहां पर इन वेंस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है बाहर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएंगी ये हार्ट की तरफ, और हार्ट से जाएंगी लंग्स की तरफ, और लंग्स से ये अपने नाक के थ्रू रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। तो ये था प्रोसीजर हमारे सेल का, और ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही है इनकी बात। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कहीं भी अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके रिप्लाई जरूर मिलेंगे। और अगर आपको लाइव मेरे साथ पढ़ना है तो आप डाउनलोड कर लीजिए BSP फार्मेसी ऑफिशियल, जहां पे बी फार्मा की क्लासेस, डी फार्मा की, और अब तो हमने बिहार यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिया है। और कोई भी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं तो इस टॉपिक को तो पढ़ ही सकते ही है, ठीक है। चलिए, आई होप ब्लड के बारे में काफी कुछ जान गए हो। तो अब इस ब्लड के अंदर और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज के अलावा। इस ब्लड, ये ब्लड किन किन चीजों से मिलकर के बना है? तो ब्लड के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है सेल्स। प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड के अंदर 55% और सेल्स पाई जाती हैं 45%। तो टोटल ब्लड के अंदर तीन टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है RBC, एक होती है WBC और एक होती है प्लेटलेट्स, एक होती है प्लेटलेट्स। तो ये ब्लड के कंपोनेंट्स हैं जो पाए जाते हैं। सेल्स और ये जो प्लाज्मा है इसमें येलोइश, पेल येलोइश कलर का होता है, ये पेल येलोइश, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मा के अंदर ये ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, ये हो गई। आई होप इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया। बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लाइव 1 घंटे डेली हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो भी आप हमारी ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारी प्ले स्टोर से वेबसाइट सॉरी गूगल पे जाके वेबसाइट से भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।